मसीह का प्रकट होना हमें उनकी उपलब्धता और सहचार्य की सच्चाई भी सिखाता है। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में इमाउस जाते समय उनके दो शिष्यों ने यीशु को नहीं पहचाना। वास्तव में वे प्रभु के दुखद अंत से निराश थे। प्रभु की मृत्यु उनकी आशाओं और सपनों को बिखेरती और चकनाचूर कर देती है। यीशु उन्हें शास्त्रों के स्मरण कराते हैं और पवित्र नगर में घटित भ्रमित करने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें फिर से मसीह के बारे में भविष्यवाणियों का अर्थ समझाते हैं कि उन्हें पापों के लिए कष्ट उठाने और मरने की आवश्यकता क्यों थी। इस घटना का दो स्तरों पर धार्मिक महत्व है। सबसे पहले यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु का जी उठना उनके शुरुआती शिष्यों के लिए स्वयं स्पष्ट नहीं था। यहाँ तक कि उनके क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान के बाद भी उस समय लोगों ने उन पर विश्वास करने का कारण यह था कि वह उनके सामने प्रकट हुए। दूसरे शब्दों में उन्हें विश्वास करने के लिए ईश्वरीय प्रकाशन की आवश्यकता थी। दूसरा, अधिकांश लोगों का ईश्वर में विश्वास करने का जरिया है ईसाई धर्म के पूजा पाठ, जिसमें पवित्र शास्त्र, उद्घोषणा और संस्कार शामिल है। वहीं सबकी आस्था भी कायम है। यह वह स्थान है जहां यीशु स्वयं को प्रकट करना जारी रखते हैं। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र और पवित्र परमप्रसाद मसीह को जानने के दो सबसे अच्छा तरीका है। मसीह का प्रकट होना हमें उनकी उपलब्धता और सहचार्य की सच्चाई भी सिखाता है, और यह भी कि शारीरिक रूप से अनुपस्थित होने पर भी वह हमारे ख्याल रखते हैं। आज के सुसमाचार हमारे सामने विभिन्न प्रश्न प्रस्तुत करता है। क्या यह जानने के लिए हमारी आंखें खुली हुई है कि यीशु कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है? क्या हम जानते हैं कि वह हमारे साथ चलता है और हमसे बातें करता है? क्या हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति की गवाही दे सकते हैं? क्या उसके साथ हमारा अनुभव इतना वास्तविक, इतना परिवर्तनकारी रहा है कि इसमें हमको दूसरों के उसके बराबर में बताने के लिए प्रेरित किया है? आइए आज दिन भर में हम इन्हें प्रश्नों का जवाब ढूंढें। आमीन।